जोड़ों का दर्द क्या आपको भी परेशान किए हुए है? तमाम तरह के इलाज के बाद भी अगर गठिया के कारण आपके हाथ पैरों और जोड़ों में दर्द बना रहता है तो आज हम एक ऐसा चमत्कारी पेस्ट तैयार करने जा रहे हैं जिसे लगाने के बाद आप अच्छे से चल फिर पाएंगे और जोड़ों के दर्द से भी आपको निजात मिलेगी। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको यहाँ जरूरत होगी किचन में ही इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों की। हमें यहाँ चाहिए होगा हल्दी, सरसों का तेल, गुड़ और इसमें सबसे जरूरी है चूना। हल्दी घुटनों या फिर जोड़ों के दर्द से निजात दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। हल्दी हड्डियों को फ्लेक्सिबल रखने के साथ साथ ऑयल को रिस्टोर करने में मदद करता है। वही चूना कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए फायदेमंद है। वही जब हल्दी और चूना दोनों को साथ मिलाया जाता है तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। सबसे पहले हमें यहाँ गुड़ का क्रश कर लेना है, जिसे हमें यहाँ ज्यादा नहीं बल्कि केवल एक ही चम्मच क्रश करना होगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ गुड़ को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ 1.5 चम्मच हल्दी और कसा हुआ गुड़ दोनों को साथ में मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चलेंगे इसके दूसरे प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए हमें यहाँ चाहिए होगा एक पैन। इस पैन में हम इस चूने को डाल रहे हैं। हमने जो चूना इसमें मिलाया है, इसमें गलती से हल्दी गिर गई है, तो आप इस कलर को थोड़ा अवॉइड करिएगा। वहीं अब हम इसमें मिला रहे हैं थोड़ा सा पानी। और अब इस चूने को हमें अच्छे से पका लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है हल्दी और गुड़ का मिक्सचर, जो हमने पहले से ही बना लिया था। अब हमें इसमें आधा कप पानी मिलाना है और इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। तीन से चार मिनट होने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेंगे। अब हम इसे कैसे उतार लेंगे। इस तरह से हमारा ये मलहम अब लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन इसे हमें लगाना कैसे है ये भी जान लेते हैं। हमें इसे हल्का गर्म होने पर ही लगाना है। हमें दर्द वाली जगह पर इसका लेप करना है। हल्के हाथों से हमें इस पे लेप लगाना है और लेप लगाने के बाद इसे हमें एक कपड़े से बांध लेना है। और 10 मिनट तक इसे हमें बांधे रखना है। अगर आप इस तरह से इस मलहम का लेप करते हैं तो आपको गठिया समेत होने वाले जोड़ों के दर्द में जल्द ही राहत मिलेगी। इस तरह से हल्दी चूने का पेस्ट लगाने से आपके पैर या हाथ की सूजन भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप जोड़ों के दर्द के लिए इस नुस्खे को नहीं अपनाना चाहते हैं और इससे भी आसान नुस्खा खोज रहे हैं तो आप गौनसिया का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गौनसिया लेना है जो कुछ इस तरह से नजर आता है। इसका हमने पाउडर बना लेना है। 1 ग्राम मिलाना है 1 ग्लास पानी में। दिन में 2 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके जोड़ों के दर्द में आपको राहत दिलाएगा बल्कि शरीर में होने वाले हर दर्द से आपको निजात दिलाएगा। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से, गठिया से होने वाले तमाम दर्द से परेशान हैं, तो आप एक बार इस नुस्खे को जरूर अपनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।